आए थे बाहर घूमने के लिए, अब जा रहे हैं नानी के घर खाना खाने के लिए। यहाँ पे साइकिल चला के जा रहे हैं, साथ में यहाँ कोई और भी बैठा हुआ है। देखिए रोड काफ़ी अच्छा है, जबकि तो यहाँ पे पीछे देख सकते हैं रेलवे लाइन बन रहा है, पूरा माटी वगैरह भरा है यहाँ से लेके वहाँ तक, इधर पूरा लाइन भरा हुआ है माटी, जो कि रेलवे लाइन यहाँ रास्ता है, सारंगपुर जो रास्ता है उधर के लिए इधर जाता है, और इधर जो पीछे देख रहे हैं ये लोड़गावा जो रास्ता है उसके लिए, गाँव जो है उसके लिए रास्ता जाता है। क्या है उधर, उसको किसको मार रहा है? अभी हम अधिक खुद खाए नहीं है, जा रहे बाथरूम जा रहे हैं, नहीं बाथरूम जा रहे बाथरूम से आएंगे तो कहीं जा रहा है जुड़िया मिलके, कहीं जा रहा है, आएंगे तो बैडमिंटन खेलेंगे ठीक है, बैडमिंटन खेलेंगे ठीक है। बहुत अच्छा गिल्ली डंडा खेला जा रहा है, एक बंदा यहाँ पे है और बाकी यहाँ पे अपना गिल्ली डंडा मार दिया है, उसको खोजने गया है यहाँ पे, इतना बड़का शॉट मारा है। वाह बहुत अच्छा, आ जाबे पढ़े ठीक है। मामा कहाँ गए? ओके सर ये कहें सबसे तगड़ा खेल के कलुआ का मार रहा है, बहुत कस के मारा है कलुआ ना, है कलुआ मार ले है ना, कलुआ नहीं है अच्छा आकाशवा, बहुत कस मार ले वहाँ लगे ले पूरा एकरा गुलगुला के मारे ना वाले कि ना ना वाले मारे, तू सबसे ज्यादा कहाँ से मार ले वाले सबसे लास्ट वहाँ ले मार ले वहाँ तक। ओ आई अशिकवा देखिए ज्यादा ना मार ले खाली इतने दूर, क्या बात है 9 बज रहा है, धूप भी निकल गया हुआ है यहाँ पे ठंडा के दिन है ना, धूप ज्यादा लेट से निकलता है, तो चलते हैं थोड़ा गांव थोड़ा घूमते हैं, अभी छोटा मोटा आपको हम दिखाते हैं यहाँ का छोटा मोटा गांव का दृश्य। तो अभी हम आए हुए नानी के घर, आपको पता ही होगा, तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं यहाँ का छोटा सा गाँव का दृश्य। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नज़ारा है, बच्चे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बकरी यहाँ पे ऐसा रखा हुआ, खाने का भी यहाँ सुविधा है, देख सकते हैं बहुत आराम से यहाँ पे खाया जा रहा है। और यहाँ पे आगे चलते हैं, पोड़ा वगैरह काफ़ी ज़्यादा है रोड पे ही, और यहाँ पे साथ कुछ चल रहा है, और यहाँ पे गांव में जो घर वगैरह थे पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, यहाँ पे थोड़ा ईटा का घर वगैरह बन गया है, बच्चे लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, हम अपना भ्रमण कर रहे हैं और आपको दृश्य दिखाते चल रहे हैं। तो देख सकते हैं ऐसा कुछ ब्यूटीफुल नज़ारा है हमारे नानी के घर का, आप भली भांति इससे परिचित हो गए होंगे देखने के बाद ही। तो देख सकते हैं ऐसा कुछ लुक रहता है हमारे इस गांव का। तो हम आगे और चले जा रहे हैं, गांव वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, और एक और भी रास्ता है लेकिन मैं उधर नहीं गया, आपको बस एक छोटा सा जो एक और गली वाला रास्ता जाता है उसका हम दिखाया हूँ आपको। यहाँ कुछ पंपी सेट से पानी पटाया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे शायद पालक रोपा हुआ लग सकता है, हाँ पालक है ये, और यहाँ कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, आज वैसे मंगलवार का दिन है, बच्चे लोग यहाँ अपने स्कूल के लिए तैयारी होकर जा रहे हैं। यहाँ गांव में छोटा मोटा वैसे दुकान वगैरह रहता ही है, छोटा मोटा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ दुकान है। विलेज में रहने का मज़ा ही कुछ और होता है, आप भी कई शहर में वगैरह रहते हैं तो अपना गाँव का जो आनंद होता है वो ज़रूर आप ले, और एक अच्छा सा आपको वाइब्स मिलेगा यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद, ठंडा हो या गर्मी जब भी आप गांव में आने का आपको समय मिले जरूर एक बार आए, और यहाँ आने के बाद यहाँ का नज़ारा का जरूर आनंद ले। तो इस तरह से यहाँ का ब्यूटीफुल नज़ारा रहता है, तो आसपास लोग एकजुट होकर रहते हैं, और यहाँ पे आपको अलग ही तरह का आपको वाइब्स मिलेगा देखने को, ठीक है ना, बहुत अच्छा फील होगा। तो एक बार इस बात को मेरे समझ पा रहे हैं तो एक बार जरूर ट्राई करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं आगे जाऊँगा, उसके बाद ये रास्ता आगे जाके रोड में मिल जाता है तो वहाँ से रिटर्न फिर वापस आ जाऊँगा। पानी पी रहे हैं कल से, और इधर
बच्चे लोग स्कूल का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे है, रोड पे हम आ गए। चलिए आप अपने चलते हैं गांव की तरफ, अपने घर की तरफ। ये मेरा परछाई, हमेशा आपको ब्यूटीफुल नज़ारा दिखेगा, खेत ही खेत आपको यहाँ पे दिखेगा। खाली है इधर रोड और इधर खाली, आपको खेती दिखेगा। और इधर सीधा रास्ता है जो हमारे नानी के घर की तरफ जाता है। तो मैं सीधा चले जा रहा हूँ अपने रास्ते को पकड़ते हुए, ब्यूटीफुल भ्रमण करते हुए। तो ऐसा कुछ रहता है यहाँ का नज़ारा। बैठा हुआ है यहाँ पे, गाय भी है, मुर्गा भी है, कौवा भी है। केला का यहाँ पे पेड़ दिखा, देखिए यहाँ पे केला कच्चा भी लग चुका, पूरी तरह से तैयार हो गया। गाय वगैरह यहाँ पे बांधे हुए हैं। किराना दुकान खुला है रोड के जस्ट बगल में ही, और यहाँ पे रोड है और यहाँ पे दुकान है, यहाँ पे घर भी है। और इधर से रास्ता सीधा, पुराना टायर यहाँ पे रखा हुआ है जिसका कोई यूज़ नहीं है। और ये जो घर दिख रहा है हमारे मामा का, जस्ट नया ही बना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है बाहर से ये देखने में। और इधर एक और मामा का घर बन रहा है, लेकिन अभी आधा अधूरा काम करके छोड़ा हुआ है। और इधर से हमारा नानी के घर के से रास्ता है जाने का। तो इधर से हमारा सामने जो दिख रहा है, ये हमारा नानी का घर है, यहाँ ऐसे देख सकते हैं। यही छोटा सा रास्ता है, पतला सा, इधर से जाया जाता है। और इधर देखिए बच्चे लोग अपना गिल्ली डंडा जो है खेल रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। और कुछ यहाँ पे काउडंग केक बनाया गया है, अगर आपको ये पता है कि क्या है तो आप बताइए, कैसे बनाया जाता है आप हमको बताइए। यहाँ देखिए बच्चे लोग हटने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ बाहर का कल है, थोड़ा गंदगी टाइप का आपको दिखेगा। और इधर नज़ारा है बाहर का घर का, ऐसा कुछ। हाँ तो यहाँ पे है, कहाँ पे जा रहा है? नदी पे। नदी पे ये जो माटी है किस चीज़ का है? रेलवे का। हाँ रेलवे का ही माटी भरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा दूर में है। और इधर से वो पहलवान साइकिल में गर्दा उड़ा के तेल भी निकाल के जा रहे हैं। नहीं इधर ये अमर महाराज, इसका एक इंस्टाग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल नहीं है उस पर खाली बेकार का वीडियो डालते हैं। मन करे तो थोड़ा देख लीजिएगा, लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और आईडी बता दीजिए क्या है आईडी? हाँ सैड शायरी 2007। ओ सैड शायरी 2007, मतलब शायरी वाला खाली डालते हैं आप? हाँ मतलब खाली शायरी वाला डालते हैं, खुद से बनाते हैं या चुरा के डालते हैं कहीं पे? अपने से बनाते हैं। अपने से बनाते हैं, मोबाइल है क्या? इमोशनल शायरी होते हैं। अच्छा इमोशनल वाला खुद से क्रिएट करते हैं या कहीं से छाप के मारते हैं? अपने से। अच्छा वो भी अपने आप खुद का रहता है, ठीक है। तो आपका ऑडियंस सब देखेगा कि किस तरह का आप शायरी लिखते हैं, और अच्छा लगे तो फॉलो जरूर करें, ठीक है। तो ये बात पूरा ऑडियंस तक जाएगा आपका, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ गर्दा माटी उड़ा के जाया जा रहा है। अगर हम हैं बैठे हुए पीछे, इधर क्रिकेट का मैच हो रहा है, क्रिकेट का मैच हो रहा है, क्रिकेट का मैच हो रहा है। इधर अमन जो कि हमारे मामा के बेटे ही है, वो बैठे हुए हैं, चला चला के जा रहे हैं साइकिल। एक बार साइकिल आगे मामा का बेटा है, वो भी लेके भाग रहे हैं। और इधर हम पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है। क्या कितना स्पीड चला रहा है? फाका नहीं है? नहीं ओ गर्दा उड़ा के एकदम चल जाएगा ना? हाँ। और कुछ बोलिए, ऑडियंस खुश हो जाएगी देख के। बोलिए कुछ तो बोलिए ना, नहीं कैमरा घुसा देंगे, बोलिएगा तो बोलिए जी, कुछ नहीं पता है ना, ठीक है। तो आप कुछ नहीं बोलिएगा। तो यहाँ पे माटी वाला जो भरा हुआ रेलवे का, एकदम चलते चलते काफ़ी आगे आ गया है। जस्ट यहाँ से थोड़ा सा आगे आपको दिखेगा, वहाँ पे नदी है। इधर से दो पहलवान आदमी आ रहे हैं जो कि मैकेनिक है, नहीं एक हौसला भी लिए हुए हैं। इधर से चंगू मंगू जा रहे हैं आगे, ठीक है। और आगे नदी में गिर जाएंगे, लेकिन नहीं घुमा लिया है। देखिए ऐसा कुछ नदी आपको दिखेगा आगे से। हाँ महाराज से बचा के चलिए, हम इसको कैमरा से रोक देते हैं। बोल कर छोटी गंगा में दहा दिया, एक छोटी क्या बोलता है इसको, ये छोटी नहर में घुसा दिया। आगे आगे क्या है, नहर है। हाँ आगे नहर है, तो थोड़ा सा इसे आगे है। तो जा रहे हैं यहाँ पे, उतर गए हैं साइकिल से। साइकिल पे काफ़ी रेस लगा के चूतरा सुझा दिया मेरा, तो हम इसलिए उतर गए हैं।
ठीक है। और आगे देखिए होगा, आगे वहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा। तो आगे हम जाएंगे तो आपको दिखाते हैं पानी है भी कि नहीं। यहाँ पे आगे हैं, देखिए यहाँ पे काफ़ी तेज यहाँ पानी चल रहा है, पानी का लहर चल रहा है। हम आपको दिखाते हैं कितना तेज यहाँ पानी का लहर। तो देखिए ऐसा कुछ यहाँ पे लहर का चल रहा है पानी का, देखिए यहाँ पे पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक जा रहा है। यहाँ मछली पकड़ने के लिए आगे जो दिख रहे हैं ऐसे, यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए यहाँ बनाया गया है। और इस तरह का पानी आपको दिखेगा यहाँ पे, और चारों तरफ का हमको घूम के आपको दिखा, जाल लगा मछली मारने के लिए। हाँ इधर भी आपको दिखेगा यहाँ पे ऐसा, ये मछली का ही पकड़ने का कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगाए हुए हैं। इधर भी पानी देखिए ऐसा कुछ यहाँ से ऐसे होकर ऐसे जा रहा है, बंगरेला के रूप में। हाँ यहाँ पे शायद कोकड़ा वगैरह भी दिखता है, अगर दिखेगा तो मैं दिखाऊंगा ऐसा कुछ है नज़ारा। ये जो रेलवे का लाइन आप देख रहे हैं, जो माटी भराएगा पूरा रेलवे का लाइन है, वहाँ से लेकर पूरा आगे तक जाता है, और ये जो सुगौली तक जाता है, हाजीपुर से आता है सुगौली तक जाता है, मतलब छेदते हुए एकदम अंदर से निकाल के, घुस के निकाल के, गोली से पिछवाड़े से निकलता है ना उससे निकल के गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको माटी दिख रहा है, एक्चुअली माटी नहीं है, यहाँ पे पानी का लहर था, नहर था, उसको मोड़ के तोप के जात के और यहाँ पे माटी भरा गया है, और यहाँ से पानी को रोक दिया गया है। पानी को जाने के लिए यहाँ पे छोटा सा छेद दिया हुआ है, यहाँ पे है देख सकते हैं ऐसा इसी टाइप का है। तो इधर से हवा नहीं यहाँ से पानी जाता है, इधर से पानी जाता है उस तरफ, और मछली का कार्यक्रम पकड़ने का होता है वो यहाँ पे पकड़ाया जाता है। और उसके बाद इस ये जो रास्ता है ना काफ़ी दूर तक जाता है, जहाँ तक आपका आँख नहीं जाएगा, जहाँ जाएगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे चढ़ के ऊपर, ठीक है। और यहाँ दो मेरे साथी आए हुए हैं, एक इधर है, एक कैमरामैन जो है वो भी है, ठीक है, वो आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। और एक यहाँ पे है, एक छोटा सा ये भी हाई कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ नज़ारा रहता है। देखिए गाइस हम लोग कहाँ जाते हैं, सुगौली जा रहे हैं, गाँव से हाजीपुर से, और चढ़ते चढ़ते पैर दुख गया, साइकिल चलाते चलाते साइकिल का हवा निकल गया है, काम हो चुका है, इसलिए हम लोग का अंदर का शरीर का भी हवा निकल चुका है, इतना हम लोग चले हैं। तो हम नीचे जो थे, कहाँ थे, पानी में तो नीचे जवानी में, नीचे जो पानी था बह रहा था, नहर था, तो वहाँ से हम ऊपर आ गए हैं, जो कि आपको सामने जो दिख रहा था वहाँ पे हम आ गए। और ये जो रास्ता दिख रहे हैं एकदम सुगौली तक जाता है, एकदम सुगौली तक जाता है, एकदम सीधा जाता है रास्ता, ठीक है। और इधर से कैमरा मैन दिखेगा आपको लेकिन नहीं दिखेगा, और इधर से ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, एकदम रास्ता एकदम क्लीन है, ठीक है। आप यहाँ हगने भी आ सकते हैं, ठीक है, तो सरकारी है, लाभ उठाइए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। और अगर आपको होली का सीजन हो और खेलने का इच्छा हो तो बिना खर्च किए यहाँ पे आ सकते हैं, इस तरह से आप होली खेल सकते हैं फोकट में, एक रुपया भी आपको नहीं लगेगा, ठीक है, ऐसे उड़ा सकते हैं गर्दा। तो यहाँ पे पेड़ा बन रहा है, इसको देखिए दूध का पेड़ा है, इसे चला रहे हैं, नहीं तो ये एक जगह जम जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ गेट है जाने वाला, बनल दोस्तों यहाँ पे धूप में बैठे हुए हैं मैं, अभी यहाँ से नानी के घर से निकलना है आज मुझे सीवर, तो यहाँ पे धूप में बैठ के थोड़ा धूप का आनंद ले रहे हैं, थोड़ा देर में देखते हैं कितना समय लगता है, एक घंटा से आधा घंटा, मतलब मैक्सिमम एक डेढ़ घंटा समय लग सकता है। तो कुछ सामान वगैरह जो होते हैं ले जाने के लिए, वो अभी सिहारा जा रहा है नानी के द्वारा, तो उसमें कुछ समय लग सकता है, उसके बाद मैं तैयार होकर यहाँ से निकल जाऊँगा।
मोटा मोटी मैं 3 से 4 दिन यहाँ पे रुका हूँ, अच्छे से इंजॉय किया हूँ, थोड़ा बहुत हो सका तो मैं आपको दिखाया, बाकी बहुत कुछ था जो मैं आपको नहीं दिखा पाया। दोस्तों देखिए यहाँ पे मुस्कान है, मेरे मामा के बेटी यहाँ पे बैठे हुए हैं, धूप का आनंद ले रही है, देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे मोबाइल भी चल रहा है और धूप का भी आनंद लिया जा रहा है। देखिए मैं जूम को उठाता हूँ, देखिए कहाँ पे बैठी है आपको पता चल जाएगा, देखिए ऐसा कुछ दिखेगा आपको इतना दूर, थोड़ा और आपको पास ले जाकर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे बैठी हुई है, आपको दिखेगा ठीक है। धूप इतना ज़्यादा है कि आपको बाहर धूप के बाहर रहिए तो ठंडो लगेगा और धूप के पास जाएगा तो देह जलने लगेगा, ऐसा है। और इधर सामने इधर बोलते हैं आपको रोड भी दिखेगा, यहाँ से गाड़ी का आता जाता है, यहाँ से दिखाई भी देता है। और यहाँ पे पेड़ वगैरह हैं ताकि बेटर ऑक्सीजन मिल सके। यहाँ पपीता का पेड़ आपको दिखेगा और इधर भी पपीता का पेड़ है। इधर जाने का रास्ता, सामान वगैरह रखे हुए, इधर से अंदर जाने का रास्ता है घर में, जो एंट्री होता है ना वहाँ पे, यहाँ मम्मी काम कर रही थे। और इधर हमारा नानी का किचन है, छोटा बच्चा जा रहा है। ए ए ए रुक, कल जा रहे है, रुक अधियो, ये बोल नहीं रहा है, भागल जा रहा है, इधर पानी वाला खाता है। इधर एक और मामा का बेटा है, क्या कर रहा है नहीं कोई है, खाली मोबाइल चला के चला गया वो यहाँ से, चलिए से बाहर निकल जाते हैं। और देखिए हमारे नानी का किचन है, तो इसमें कुछ नहीं है, खाना वैसे यहाँ पे बनता है, गैस है ठीक है, इस तरह का रखा हुआ है, यह पानी पी रहा है, हाथ जोड़ रहा है, सब यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पानी हमारा ख़त्म हो गया है, ये मेरा रूम है, चलिए देखते हैं यहाँ पर सामान वगैरह सिहारना है। और ये मिरर में हम दिख जाएंगे आपको, अभी तैयार नहीं हुए हैं, थोड़ा देर में हो जाएंगे जाने के लिए। और ये छोटा सा सनलाइट के लिए यहाँ पे खिड़की दिया हुआ है ताकि यहाँ से रोशनी आ सके रूम में। वो खान तुम्हारा फेस वॉश कहाँ है? हाँ रख दो उन्हें। हालांकि यहाँ से जाने में हमको कोई 2 घंटा का समय लगता है अपने घर जाने में, ठीक है, तो निकल गए यहाँ से 4-5 दिन अच्छे से एंजॉय करने के बाद। तो इधर अमन महाराज भाग गए हैं आगे, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में आपको, और किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद जय भारत।